जिस परिस्थिति से गुजर रहा है वो तो हम ही जानते हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। वैसे तो आप लोग जानते ही होंगे, और नहीं जानते हो तो मैं आपको बता दूं कि ये सपना की ससुर जी हैं। आपने अभी तक सपना की ही बातें सुनी होंगी, और ससुर जी की नहीं सुनी है तो आप ससुर जी की बातें भी सुनिए कि ये क्या बोल रहे हैं। और आपने सुना होगा कि इन्होंने क्या कहा। ये कह रहे हैं कि मेरी बहू को समझ नहीं आ रहा है और बाकी लोग ये घर तोड़वाना चाह रहे हैं, तो बहू के लिए समझाने की बात कह रहे हैं। बहुत सारे लोग वीडियोस वगैरह बना रहे हैं, दारोट के वीडियोस बना रहे हैं। अच्छा है कि लोग मौके का फायदा तो उठाते ही हैं, और उठाने दो उनको, कोई बात नहीं। आज मेरा परिवार जिस परिस्थिति से गुजर रहा है वो तो हम ही जानते हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। मतलब इवन कुछ लोग तो ऐसा लांछन लगा रहे हैं कि जैसे उसके दोषी हम ही लोग हैं। लेकिन ठीक है, परिस्थितियां हैं। जो लोग दोष दे रहे हैं, जो लोग, ईश्वर उनका भला करे। हमारा तो जो बुरा होना था वो हो चुका है। फ्रेंड्स, आप लोगों ने सुन ही लिया होगा कि सपना के ससुर जी इशारे में क्या कहना चाह रहे हैं। वो कहना चाह रहे हैं कि उनकी फैमिली को लोग तोड़वाना चाह रहे हैं। सोशल मीडिया पे जो लोग हैं वो उनकी फैमिली के लिए, या जो उनके अड़ोस पड़ोस वाले लोग हैं वो उनकी फैमिली को तोड़वाना चाह रहे हैं। और उनका कहना है कि उनकी बहू समझ नहीं रही है, इस समय परिस्थितियां बहुत ही गंभीर हैं, जिसकी वजह से जो सपना सब कुछ कह रही है वो कह रहे हैं कि ये जो सब कुछ सपना कह रही है क्या वाकई ही सच है? एक तरफ से ही सब कुछ हो सकता है? क्या जो सपना कह रही है वो ही सच है? आप लोग एक बार ये सपना से पूछना कि हमारा सूरज इतना जाहिल और गमार था जो कि आते ही सपना पे टूट पड़ता है, इसकी क्या कोई गलती नहीं होती होगी? और बिना वजह ही वो कोई पीटने लगेगा? क्या आपको कोई बिना वजह पीटने लगेगा? ऐसा तो नहीं होता है ना? तो सारी गलतियां फिर सूरज की और या ससुराल वालों की ही क्यों हैं? क्या थोड़ी बहुत गलती सपना की नहीं होगी? लेकिन वो इस बात को समझ नहीं है और सोशल मीडिया पे इस तरह हमारे घर की इज्जत को उछाल रही है, तो हमारी बहू समझ नहीं पा रही है। इशारे में वो ये कहना चाह रहे हैं अंशु के बारे में, और उन्होंने एक अंशु के चैनल पर पोस्ट भी करी थी और वो हाल ही में डिलीट भी करवा दी। उनका कहना यही है कि उनका घर बिगाड़ने की लोग बात कर रहे हैं और सपना कुछ अलग ही समझ रही है, सपना समझने को तैयार नहीं है। तो ससुर जी का कहना है, ससुर जी ने बहुत कुछ कहा है। उन्होंने भी एक चैनल बनाया जिसके माध्यम से वो अपनी बात भी रख सकें और लोगों को पता चल सके कि जो कुछ भी सपना कह रही है वो सत्य नहीं है, और दोनों तरफ की बातें सुने, इससे सब कुछ सच